weer. Ik heb een lijstje bij je. Ga er maar in de rij staan. बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। सो आज हम बाहर निकले हैं, आज लास्ट समर हॉलीडे का लास्ट डे, सैटरडे है। सो हमने सोचा क्यों ना आज कहीं घूम कर थोड़ा सा आया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर वापस वही रूटीन हो जाएगा। समर भी ख़त्म ऑलमोस्ट हो ही गए हैं और आज बहुत दिन बाद बारिश नहीं हो रही है, ठंडा है मौसम लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। सो हम आए हुए हैं कहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सो हम आए हुए हैं मदुरो डैम, ये जो जगह है ये जानी जाती है, ऐसी नैदरलैंड में दो तीन और जगहें भी हैं लेकिन ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है। ये जगह है डेन हॉग में और ये जगह इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे और स्पेशली नैदरलैंड्स के सारे जो चीज़ें हैं वो मिनी क्रिएचर में अंदर है। छोटा सा यहाँ का एम्स्टर्डम सेंट्रल दिखेगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। हम भी पहली बार ही आए हैं और ये चीज़ ये जगह इसलिए ज़्यादा स्पेशल भी है या यहाँ आना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कहीं से भी घूमने एम्स्टर्डम आते हैं तो ये जगह नैदरलैंड आने पर आपके जो टूर में है ना वो हमेशा शामिल होती है। सो अदीशी अभी फिलहाल में कर रही है यहाँ पे खाना लंच कर रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट सो हम लोग घर से वड़ा पाव बनाकर लाए, मतलब पाव लाए और वड़ा बना के लाए। ये रहे हमारे पाव, हमें बड़े पाव मिले हैं बर्गर वाले और ये रहे हमारे वड़े। हम बस अभी ट्रेन में सोते हैं तो हमने सोचा कि पहले हम लोग लंच ब्रेकफास्ट खाना पीना सब कर लेते हैं फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि फिर बीच में कहीं रुक कर लगेगा तो और खा लेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही हम हमेशा सारा स्नैक लेके चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप गाइज आपको आवाज आ रही होगी, ये आशीष और अदीशी बचा रहे हैं। इतनी छोटी छोटी सी चीजें और इतनी क्यूट क्यूट सी चीजें है ना अदीशी, टॉयज नहीं है। Thank you.
अदिशी कैसल, अदिशी का फेवरेट। कैसल अदिशी का फेवरेट है ना, वेरी नाइस। मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम सनी डे हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने बीच में एक जगह पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और अदिशी और आशीष दोनों उधर साइड में खेलने गए हैं। ये इस तरह का यहाँ पर ऐसा प्ले एरिया बना हुआ है तो वो दोनों भी कहीं हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल में। बट अदिशी को क्योंकि ये असाइनमेंट में खेलना बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए वो यहाँ पर सारे शूज़ वूज़ उतार के और गई हुई है खेलने। With you, I can be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. प्लेन में आए थे सबको देखो, बताओ बताओ तो आप कौन से वाले प्लेन में आए थे? व्हाइट था। कॉर्नर वाला था। यस, हम लोग केएलएम से आए थे, अदिशी को याद है। Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. लड़की ने क्या किया है जरा दिखाओ दिखाओ, क्लोथ चेंज कर लिए हैं। पहले तो मैं तो क्या खा रही थी बताओ? मैं खा रही थी पॉपसिकल। अदिशी के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे तो हमने अदिशी के कपड़े चेंज कर दिए ना। ओके, सो हमने पार्क घूम लिया है, अब हम यहाँ से कहीं और जाने की सोच रहे हैं तो पहले हमें वहाँ जाने के लिए कुछ मिल जाए उसके बाद बताऊंगी कि हम जा रहे या नहीं। सो यहाँ घूम लिए, बहुत अच्छा है, छोटी छोटी सी चीजें हैं बट बहुत प्यारी है। टॉयज थे, किशन को टॉयज दे रही थी। हाँ, आ रही थी, उन्होंने देख लिया, हमने व्लॉग बनाया ना। ओके, सो बस अब हम ये आइसक्रीम आइसक्रीम थोड़ा सा एक रेस्ट हो गया हमारा, अब हम वहाँ जाते हैं। फिर मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं।
और पॉप्सिकल खाएगी फिर अदिश। यहाँ पे फोटोज मिल रही हैं, आई मीन जिन लोगों ने अंदर फोटोज खिंचाई थी उनकी फोटोज हैं, स्पेशल और इम्पोर्टेंट। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शाहरुख खान की फोटो है, आई होप आपको दिख रही होगी। सो आई होप यहाँ शायद शाहरुख खान जब आए होंगे तो उन्होंने फोटो खिंचवाई होगी, तो उनकी भी यहाँ एकदम दासू सी फोटो लगी हुई है। हे एवरीवन, सो हमने वहाँ से जो प्लान बनाया था आगे जाने का, सो वो हमने फिर थोड़ा सा कैंसिल किया क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग गए एक बीच पे, जो कि हम एक बार और उस डायनॉक के उस बीच पे जा चुके हैं, लेकिन हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने अभी तक नेदरलैंड्स में इतनी ज़्यादा भीड़ देखी नहीं है, क्योंकि मैं कोरोना वाले टाइम में आई थी। सो उस वक्त से 6 महीने तो पूरी तरह से लॉकडाउन ही रहा था, और फिर उसके बाद जब सब कुछ खुला तो भी इतनी भीड़ वाला इलाका मैंने अभी तक देखा नहीं था। इवन हम जिस पार्क में गए थे वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी, लोग फिर भी एक दूरी बना के चल रहे थे टाइप से, तो इट्स टोटली ओके। बट वहाँ बीच पे ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ टाइप से। तो हम लोगों ने उसी वक्त डिसाइड किया, हम गए बीच तक लेकिन हम वापस आ गए, हम वहाँ रुके नहीं, तो मैंने उसके आगे व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद हम डेनॉग में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया और उसके बाद हम घर आ गए। मैंने वहाँ का इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि वैसे मैंने व्लॉग किया था वहाँ थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उस इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में बात करूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था, और मैं नाम लेकर उनकी रेटिंग ख़राब नहीं करना चाहती। मुझे जो रेटिंग देनी थी मैंने गूगल पर उनको दे दी है। सो इस तरह से जो कहना चाहिए कि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, सब कुछ पूरा दिन अच्छा ही था, लेकिन जो सेकंड हाफ था वो काफ़ी बिगड़ गया भीड़ की वजह से, और कहना चाहिए मतलब इस तरह की सब चीज़ों की वजह से। बट ठीक है, होती रहती इस तरह की चीज़ें, कई बार आप पूरा प्लान करते हो लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती है। लेकिन हमने जो दूसरी चीज़ सोची थी जाने की बीच के पहले, वो वाली अब हमें लग रहा है हमें अलग से टाइम देकर जानी पड़ेगी। तो अगर किसी दिन सनी डे रहा सो पक्का मैं आप लोगों के साथ वो जगह के बारे में शेयर करूंगी और हम वहाँ जाएंगे। ओके, सो यही था आज का व्लॉग, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि सारी पिक्चर्स आपको वही मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम मदीशी को लेकर किस तरह से ट्रैवल करते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं उस पर कि हम मदीशी को लेकर, हमारे पास कार भी नहीं है सो हम ट्रेन या बस से जो सफ़र करते हैं वो किस तरह से होता है, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो हम अलग से बात करेंगे उस पर एंड आई होप कि वो आपको हेल्प करेगा। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट आगे वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। I wanna stay with you, I wanna stay with you, I wanna stay